रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दोस्त ने तोड़ी चुप्पी और कहा नहीं मारा सलमान ने कोई हिरण, वे चुप रहकर बचा रहे हैं किसी को। सलमान खान को 20 साल पुराने मामले में पिछले दिनों 5 साल की सजा सुनाई गई थी और इसके 2 दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। सलमान को सजा होने के बाद बॉलीवुड के कई लोग उनके पक्ष में उतरे थे और कहा था कि सलमान को एक सेलिब्रिटी होने की सजा मिली है। सलमान पर काले हिरण शिकार के मामले में और सजा पर कई लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच सलमान खान के दोस्त और सीनियर पत्रकार मार्क मैनुअल ने सलमान को बिल्कुल निर्दोष बताया है। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सलमान खान बिल्कुल निर्दोष है और उन्होंने किसी हिरण को नहीं मारा है। सलमान इस मामले में किसी को बचा रहे हैं, इसलिए वे सच नहीं बोल रहे हैं। इसके आगे वे लिखते हैं कि सलमान खान पर फिल्म हम साथ साथ हैं के दौरान आरोप लगा था। तब वे बड़े स्टार तो नहीं थे, लेकिन बड़े दिल वाले जरूर थे। वह बताते हैं पिछले 20 साल से वे सलमान को जानते हैं और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। इन 20 वर्षों में ट्रायल के दौरान जब उन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत आरोपी बनाया गया, तब भी उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। गौरतलब है कि मार्क मैनुअल के अलावा सिमी ग्रीवाल भी कह चुकी है कि सलमान बेहद दयालु हृदय के इंसान हैं और इस मामले में वे चुप रहकर किसी को बचा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सलमान वास्तव में निर्दोष हैं और वे चुप रहकर किसी को बचा रहे हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नई नई जानकारियों की सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे।